आप अपने सभी पसंदीदा कलाकार जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ऐसे स्थिति में देखेंगे जहां उनको डर लगेगा और उनको बहुत तकलीफ भी होती है, क्योंकि ये गेम केवल मेंटल नहीं है, ये फिज़िकल भी गेम है। और आप अगर आपको लगता है कि अरे उसको चौदहवें माले पे चढ़ के खड़े होके कूदना है, वो चढ़ना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज इतनी हवा चलती है, इतना स्ट्रेंथ लगता है हर चीज़ में, फिज़िकल मेंटल स्ट्रेंथ में हर लिमिट को उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश करी है। सोया जानवरों के साथ और पानी के साथ, मेरे दो फियर थे, एक तो जानवरों का था और एक पानी का था। जानवरों का नहीं रह गया, अभी सांप वाँप के साथ नहीं रह गया, पहले बहुत था, और पानी का अभी भी है। मज़ा आता है क्योंकि आपके साथ लोग होते हैं, लेकिन करते वक्त नहीं मज़ा आया मुझे, सज़ा है क्योंकि आपको करना पड़ता है ऐसी चीज़ें जिसमें आपको तकलीफ़ें होती हैं, पर आप करते हैं एंड बिकॉज आपने शो साइन किया हुआ है और उसमें आपको फिर कंपटीशन भी होता है बिकॉज आपके दोस्त होते हैं, आपको अच्छा करना होता है और आपके चोट भी लग जाए तब भी लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे श्रीशांत इतने अच्छे थे इस शो के अंदर, और उनकी अगर तबीयत भी ख़राब हो जाएगी तब भी वो स्टंट करते थे, और उनको देखा देखी में हर कोई ने उतनी ही स्ट्रेंथ लगाई है। मैं तो थोड़ी बेवकूफ़ी करी थी उस चक्कर में, लेकिन वो होता है ना कि आप जब एक जज्बे के साथ निकलते हो, एक कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फियर्स है, तो सब अपनी जान लगा देते हैं। पानी का स्टंट था एक, जहाँ पर मैंने पानी पे जीत हासिल करी थी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि वो फिर भी मेरा पानी का डर गया नहीं है, लेकिन मैंने वो स्टंट कर लिया, वो बहुत बड़ी बात थी। रोहित शेट्टी इज़ योर एल्डर ब्रदर, मतलब वो गुस्सा होंगे जब उनको गुस्सा होना होगा, कब आप गलती करोगे, और वो आपको इनकरेज करते हैं जब आपको डर लग रहा होता है। जैसे कितनी बार हर्ष और जैन को उन्होंने इतना अच्छा इनकरेज किया था हमारे सामने कि वो ना करते करते स्टंट उन्होंने करके जीता है। तो फैंस के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों की वजह से मैंने ये शो किया था, और आई एम ग्लैड मैंने किया। हाँ, दर्द दुख सब होता है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला और मुझे बहुत अच्छी लर्निंग मिली है इस शो से। एंड आई विल रिमेंबर दिस, दैट नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन योर हेल्थ, योर सेल्फ एंड योर पीपल। थैंक यू।